सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में जगन्नाथ जी की एक मंडला आर्ट करने वाला हूँ और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर A4 साइज की ड्राइंग पेपर यूज कर रहा हूँ और कलर करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज करने वाला हूँ। और अगर आप लोग के पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप लोग पोस्टर कलर से भी इस ड्राइंग को कर सकते हो या फिर कोई भी कलर से इस ड्राइंग को आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अभी इस ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करके पेज की मिडिल पॉइंट को फाइंड कर लेना है। देन मिडिल पॉइंट से कॉम्पास को यूज करके एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मिडिल पॉइंट से 5 सेमी की सर्कल है। उसके बाद उस सर्कल की थोड़ा नीचे एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेना है और उससे थोड़ा नीचे एक और सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और अभी यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल को ड्रॉ कर लेना है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मिडिल पॉइंट से 8 सेमी की सर्कल है। एंड देन उसके थोड़ा नीचे एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जितना गैप है उसके मिडिल पोजिशन पर एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर 8 सेमी की सर्कल के नीचे एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेना और लास्ट में यहाँ पर पेज की ऑलमोस्ट एंड में एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेना। और अभी आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी 4 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि मैं पेज को 4 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड किया था और अभी इसको पहले 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसको करने के लिए इसके मिडिल बराबर एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर इसके मिडिल बराबर एक और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 15 सेमी है, तो 7.5 सेमी पर एक मार्क कर लेना है यहाँ पर और इस साइड में भी 7.5 सेमी पर एक मार्क कर लेना। एंड देन ये दो पॉइंट्स को मिडिल पॉइंट से मैच करके लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ओके नेक्स्ट अभी इसको इसी तरीके से ही 16 पार्ट में अभी डिवाइड करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एक एक पार्ट की जो डिस्टेंस है वो 7.5 सेमी है, तो उसकी मिडिल पोजिशन पर यानी 3.7 सेमी करके हर एक पार्ट में मार्क कर लेना है। एंड देन वो सब पॉइंट्स को मिडिल पॉइंट से मैच करके लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। तो बस गाइस मंडला आर्ट की जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गई है और अभी बस इसके अंदर एक एक फीचर्स को ऐड करते जाना है। तो कहां पर मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो आप लोग अभी ध्यान से देखो। तो मिडिल की जो ये बड़ा सा सर्कल है उसके अंदर मैं जगन्नाथ जी को ड्रॉ करने वाला हूँ और बाहर की जो सर्कल्स है उसमें मंडला आर्ट करने वाला हूँ। तो अभी मैं एक राफ स्केच को बना रहा हूँ यानी एक ही लाइन को मैं बार बार ड्रॉ करूंगा हल्के हाथ से और जो लाइन मुझे फाइनल लगेगा उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप लोग अभी देखो ध्यान से मैं कहां पर किस तरीके से कर रहा हूँ। ओके गाइस जो रफ स्केच है वो कंप्लीट हो गई है और अभी इसको हल्के हाथ से इरेज कर देना है। और अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इसके ऊपर फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको करने के लिए मैं टेक्निकल पेन का यूज कर रहा हूँ और अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आप लोग ब्लैक कलर की जेल पेन का भी यूज कर सकते हो। तो बस गाइस फाइनल आउटलाइन कंप्लीट हो गई है और अभी इसके ऊपर मैं एक्रेलिक पेंट से कलर कर रहा हूँ और कलर बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूँ गाइस। तो ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, जस्ट मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ वो आप लोग फॉलो करो।
तो बस गाइस फाइनली ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीके से किया होगा इसमें इस ड्राइंग को, तो आप लोग भी इस ड्राइंग को बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो ड्राइंग पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना। मिलते जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।